तो आज हमारी है डिवाइसेस के हवाले से। अब ये डिवाइसेस का फीचर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में जो दिया गया है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं और ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगा? ये आपको लिटिल बिट हेल्प करेगा, ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकेगा। उसकी वजह ये है कि जैसे आप ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा डिफरेंट तरह का। अब यहाँ पे मकसद क्या होता है, जैसे हम अपने मोबाइल से कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ माइक, ब्लूटूथ एलसीडी या कोई भी चीज़ कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो फीचर हमें यहाँ पर हेल्प आउट करेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी आपका ब्लूटूथ वाला डिवाइस एक्टिवेट है तो आप उसको यहाँ से ऐड क्लिक करके और ब्लूटूथ डिवाइस पे क्लिक करके उसको सर्च करा सकते हैं। वो मोबाइल भी हो सकता है, वो माइक्रोफोन भी हो सकता है, वो हैंड फ्री भी हो सकता है, और उसको फिर यहाँ पे अपना स्टेटस शो करके कनेक्ट कर देंगे तो वो आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन या टैबलेट के साथ जुड़ के ईजिली काम करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारे पास, जैसे मेरा वायरलेसली डिस्प्ले हुआ हुआ ये डॉक्स, मतलब ये मेरा कनेक्ट हुआ हुआ है मेरे लैपटॉप के साथ, तो यहाँ पे ये स्टेटस भी शो कर रहा है और मेरी स्क्रीन भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेयर हो रही है। अदर डिवाइसेस पे ये दूसरी चीज़ें भी मेरे लैपटॉप के साथ पहले कनेक्ट हो चुकी है, जैसे मुसिफ HIMDR, डेल, इंटेल, कुछ इस तरह के मामला पहले भी डिवाइसेस के ब्लूटूथ या वायरलेस के जरिए कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा होता है। अच्छा, रिसीविंग फाइल्स ओवर ब्लूटूथ ये फीचर कब काम करेगा? आपके लैपटॉप में अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस है और आपने मोबाइल से कोई भी ब्लूटूथ के जरिए वीडियो, फाइल, पिक्चर सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये फीचर उस सूरत में काम करेगा कि आप उसको जो है ब्लूटूथ के जरिए जो है वो कोई भी फाइल वगैरह आप ले सकते हैं। और यहाँ पे उसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में भी आपको बताया जा रहा है कि रिसीव कैसे करना है और सेंड कैसे करना है। मेरे लैपटॉप में ब्लूटूथ है नहीं, इस वजह से मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बता नहीं सकता। किसी लैपटॉप में हुआ तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, मोबाइल से कैसे डेटा ब्लूटूथ के जरिए लैपटॉप में सेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रिंटर एंड स्कैनर की अगर बात की जाए, प्रिंटर एंड स्कैनर का मतलब ये होता है ये दो तरह की डिवाइसेज हैं, प्रिंटर जो छपाई का काम करता है और स्कैनर जो आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, मतलब प्रिंटेड मटेरियल को कंप्यूटर में इन करता है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर या स्कैनर लगा हुआ है या कनेक्टेड है, आप चेक करना चाह रहे हैं, तो वो अपना स्टेटस यहाँ पर शो करेगा, प्रिंटर या स्कैनर अपना स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है ना, कि वो आइदर प्रिंटर है या स्कैनर है जो यहाँ पे बता देगा। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF या माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर, सेंड टू वन नॉट या फैंटम PDF राइटर, ये बता रहा है कि ये वो पहले से कंट्रोलर हैं जो इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। ठीक है, अगर कोई प्रिंटर और स्कैनर कनेक्टेड होगा तो वो अपना स्टेटस यहाँ शो करेगा, जैसे कि वो HP का कोई लेजर जेट प्रिंटर हो सकता है, कोई स्कैनर हो सकता है, तो उसका स्टेटस जानने के लिए कि वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है या नहीं, उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में मौजूद है या नहीं, आप यहाँ पर आके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ से, आते हैं माउस के ऊपर। माउस के ऊपर यहाँ पर आपके दो ऑप्शन है, सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, लेफ्ट या राइट। यहाँ पर कर्सर स्पीड भी आ रही है और यहाँ पे मल्टीपल लाइंस का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर माउस की जो ऑप्शन की सेटिंग है उसको कैसे करना है, मतलब आपका माउस अभी लेफ्ट वाला बटन लेफ्ट का काम कर रहा है और राइट वाला बटन राइट का काम कर रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई लेफ्ट हैंड है तो आप अपने लेफ्ट वाले बटन को राइट हैंड पर और राइट वाले बटन को लेफ्ट हैंड पर भी सेट कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है, यहाँ क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद राइट वाला बटन लेफ्ट का काम करेगा और लेफ्ट वाला बटन राइट का काम करेगा, मतलब उनकी जो फंक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा, फंक्शन जो है वो उसका शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं और दोबारा से इसको लेफ्ट पे और राइट पर, इसको नहीं बोला था लेकिन ये करके आ गया, चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, अच्छा ओके, मैं यहाँ से दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ से माउस के बाद आ जाते हैं नीचे कर्सर स्पीड पर। कर्सर स्पीड पर क्या होगा कि आपका जो माउस की मोशन है, जो मूवमेंट है, उसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे
तो फिर आपका माउस जो है आपको बहुत ज्यादा ड्रैग करना पड़ेगा इस तरीके से, और अगर आप इसको ज्यादा फास्ट कर देंगे तो फिर आपको माउस हल्का से टच पे पूरी स्क्रीन पे मूवमेंट करेगा इसका पॉइंटर जो है। तो इसकी स्पीड को एवरेज रखते हैं कि आप उसको कंट्रोल कर सके, ज्यादा स्लो भी ना हो ज्यादा फास्ट भी ना हो, या जैसे आपकी प्रैक्टिस है उसके हवाले से आप उसको सेट कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन्स, रोल द माउस व्हील टू स्क्रोल मल्टीपल लाइन्स एट अ टाइम, ये फीचर कब काम करेगा? जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये डिफरेंट किस्म के लाइंस को स्क्रॉल कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और अब मैं अपना स्क्रोलर, यानी कि इस वाले व्हील को कहते हैं हम स्क्रोलर, और स्क्रोलर को जैसे ही मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रोल करूंगा तो आप देखेंगे दो लाइन्स को इसने स्क्रोल कर दिया। तो यहाँ पर आके देखते हैं कि हमने कितनी मल्टीपल लाइन्स से हम वन स्क्रीन एट अ टाइम अगर कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रख के स्क्रोल करते हैं तो अब देखिए पूरी स्क्रीन को इसने ऊपर की तरफ स्क्रोल अप कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस करे या पूरी स्क्रीन को स्क्रोल करे वो यहाँ से कर सकते हैं। अब कितनी लाइन स्क्रोल करे, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 17, जितनी लाइंस आप चाहते हैं वो एक वक्त में स्क्रोल करे, तो यहाँ से आप इनको स्क्रोल करा सकते हैं। स्क्रोल इनएक्टिव विंडोज व्हेन आई होवर ओवर देम, अब ये क्या ऑप्शन है? देखिए एक होती है हमारी एक्टिव विंडो और एक होती है हमारी इनएक्टिव विंडो। एक्टिव और इनएक्टिव विंडो में क्या फर्क है, इसको जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा रिस्टोर कर देता हूँ और यहाँ रख लेता हूँ। अब देखिए ये मेरी एक्टिव विंडो है क्योंकि मेरा इस पर क्लिक हुआ हुआ है, और ये मेरी इनएक्टिव विंडो है, इस पर मेरा क्लिक नहीं हुआ हुआ। ये फीचर आपको हेल्प करेगा इसको स्क्रोल करने में भी, देख रहे हैं, और इसको भी स्क्रोल करने में भी, और इसको भी स्क्रोल करने में भी। हालांकि ये सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन क्या है कि मैंने एरो रख के ये भी स्क्रोल कर लिया, ये स्क्रोल भी कर लिया, एक्टिव भी स्क्रोल हो रही है, इनएक्टिव भी स्क्रोल हो रही है। अब जब मैं इस फीचर को ऑफ कर दूंगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला स्क्रोलिंग फीचर अब मेरा ऑफ हो गया, जबकि ये वाला स्क्रोलिंग फीचर काम कर रहा है। इट मीन्स कि अब एक्टिव विंडो ही स्क्रोल हो सकेगी, इनएक्टिव विंडो स्क्रोल नहीं हो सकेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? ओके, अब चलते हैं बैक साइड पर और आते हैं टच पैड पर। यूजुअली ये ऑप्शन डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं मिलेगा। टच पैड क्या होता है? टच पैड वो हिस्सा माउस का जिसके ऊपर आप फिंगर रख के माउस के पॉइंटर को मूव कर रहे होते हैं, इस डिवाइस को हम कहते हैं टच पैड। माउस डेस्कटॉप कंप्यूटर में होता है, और लैपटॉप में जिसमें मैं फिंगर रख के अपने पॉइंटर को चेक मूव कर रहा होता हूँ उसको हम क्या कहते हैं? टच पैड। अब टच पैड में आपके पास जो फीचर है वो क्या है? उसमें फीचर ये है कि ये आपका टच पैड जो है मोस्ट सेंसिटिव हो, हाई सेंसिटिव हो, मीडियम सेंसिटिव हो या लो सेंसिटिव हो। अब इसका मकसद ये हो गया कि अगर मैं इसको लो सेंसिटिव रखूंगा तो मुझे अपनी फिंगर को बहुत ज्यादा जोर से उसके ऊपर रख के मूव करना पड़ेगा तो मेरा पॉइंटर सही चलेगा, और मोस्ट सेंसिटिव पे जब रखेंगे तो यहां पर रख के जब हम अपना तो उसके ऊपर यहाँ पर अपना माउस पॉइंटर रख के हम करेंगे तो इसके ऊपर ये हमारा जो है हल्के से टच के ऊपर भी सही तरह से फंक्शन करेगा। तो ये सेटिंग सिर्फ इसकी यहाँ तक ही है। इसको बैक करेंगे यहाँ से, उसके बाद हम आते हैं टाइपिंग के ऊपर। टाइपिंग के ऊपर आने के बाद, अच्छा ये सेटिंग्स जो है ये आपके मोबाइल में भी होती है मैसेज टाइपिंग के साथ साथ। मैसेज टाइपिंग में होता है कि भाई ऑटो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, अगर आप कोई वर्ड गलत लिख रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग को ये ऑटो करेक्ट कर दे, अगर आप गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं इंग्लिश के किसी वर्ड की तो उसको हाईलाइट कर दे, आपको सजेशन दे नए नए वर्ड्स के लिए, और स्पेस के बाद व्हेन ऐड अ स्पेस आई चूज टेक्स्ट सजेशन, जैसे ही स्पेस दबाऊं तो कोई नया वर्ड का सजेशन दे दे, और अगर मैं डॉट का निशान दबाऊं डबल टैप करूं तो वो डॉट का निशान उसमें ऐड कर दे। ये सेटिंग्स हम जब मैसेज टाइप करते हैं उस वक्त काम में आ रही होती है, ठीक है, और जब हम मैसेज टाइप नहीं कर रहे होते तो ये टाइप काम में भी नहीं आ रही होती। आपकी मर्जी है, आप इनको यहाँ से ऑफ करना चाहें या ऑन करना चाहें, ये चॉइस आपकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं नीचे, ये हमारे किसी काम का नहीं है, पैन एंड विंडोज ऑटो प्ले सेटिंग्स। ऑटो प्ले सेटिंग्स में क्या होता है, इनको बोल के थोड़ा आहिस्ता बात कर ले, ठीक है ना। ऑटो प्ले सेटिंग्स क्या होती है? ऑटो प्ले सेटिंग्स में ये होता है कि अगर आपका ये ऑटो प्ले सेटिंग्स आप इनकी ऑफ कर देंगे या इनकी ऑन कर लेंगे तो इससे फर्क ये पड़ेगा, कुछ डिवाइसेस होती है जो हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड होती है
और वो जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को कनेक्ट करते के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करें हमारे कंप्यूटर के साथ। रिएक्ट का मतलब ये होता है जैसे मैंने कोई यूएसबी कनेक्ट करी तो यूएसबी का क्या एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक्शंस बताए गए हैं। एक्शंस में जैसे ओपन फोल्डर टू व्यू एक्सप्लोरर फाइल, अगर मैं ये ऑप्शन रखूंगा तो जैसे यूएसबी लगाऊंगा वो अपना फोल्डर ओपन कर देगा और दिखाएगा उसके अंदर क्या है। और अगर मैं ऑप्शन रखूंगा आस्क मी एवरी टाइम, तो एक प्रॉम्प्ट मेरे सामने आएगा और मुझसे पूछेगा क्या करना है, ओपन करना है, प्ले करना है, क्लोज करना है, क्या करना है। और अगर मैं यहाँ से दूंगा कॉन्फिग्रेशन स्टोरेज सेटिंग्स, तो भाई जो भी उसकी स्टोरेज की सेटिंग्स हैं वो उस पर फॉलो करे। और अगर मैं रखूंगा टेक नो एक्शन, तो वो यूएसबी जो मैंने कनेक्ट की है वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, वो इंटरनली काम करने लग जाएगी, वेदर मुझे जब उसको एक्सेस करना होगा मैं जाके उसको एक्सेस कर लूंगा, मतलब वो इटसेल्फ खुद से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। मेमोरी कार्ड के हवाले से आ जाए, मेमोरी कार्ड में कह रहा है इम्पोर्ट फोटोज एंड वीडियोज, प्ले वीडियोज। अब इनमें क्या फर्क है, अगर मैं ये सेटिंग रखूंगा और मैंने कोई मेमोरी कार्ड या फोन अपना कनेक्ट किया है और उसके अंदर मेरे कुछ फोटोज और वीडियोज हैं, तो वो फोटोज और वीडियोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट करना शुरू कर देगा। इम्पोर्ट मीन्स कि उनको कॉपी करना शुरू कर देगा डॉक्यूमेंट और वीडियो के अंदर। और उसके बाद अगर मैं प्ले वीडियो पे रख दूंगा तो अगर उसमें कोई वीडियो है तो डायरेक्टली लगाते के साथ प्ले होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इस पे रख दूंगा सपोज टू बी डाउनलोड इमेजेस पे, तो वो डाउनलोड कर लेगा सारे फोटोज को अपने डॉक्यूमेंट्स में या मिक्सचर्स के अंदर। और उसके बाद अगर मैं रख दूंगा प्ले मीडिया प्लेयर, तो वो जो भी वीडियो अगर उसके अंदर होगी तो उसको मीडिया प्लेयर पे ऑटोमेटिकली प्ले करना शुरू कर देगा, बस जस्ट प्लग करेंगे और वो करना शुरू हो जाएगा, पर उसके अंदर वीडियो होने। टेक्नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, कनेक्टेड रहेगा, फंक्शनल रहेगा, वेदर मैं उसको यूज करना चाहूँ तो यूज कर लूंगा, अदरवाइज वो कनेक्टेड रहेगा। और उसके बाद ओपन फोल्डर टू व्यू द कंटेंट्स, अगर इस पे रखेंगे तो जैसे ही मेमोरी कार्ड मोबाइल कनेक्ट करेंगे वो फौरन से अपनी विंडो खोल के दिखाएगा कि मेरे अंदर क्या है। और इसके बाद आस्क मी एवरी टाइम, आपसे पूछेगा क्या करना है, प्ले करना है, जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा करना है, तो जो आप सेलेक्ट करेंगे फिर वो काम होगा। मैं दोनों को रिकमेंड करता हूँ टेक नो एक्शन पे रखा करें। उसकी वजूहत है, देखिए कोई भी यूएसबी मेमोरी कार्ड आपने कनेक्ट किया और उसके अंदर एक वायरस था जो ऑलरेडी उसके अंदर कॉपी था या हमें पता नहीं वो कहीं और से कॉपी हुआ होगा, जैसे ही आपका वो कनेक्ट होगा और ओपन करेगा उसको डायरेक्टली, तो होगा ये कि वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद आपके कंप्यूटर में खराबियां पैदा करना शुरू कर देगा। हाँ, इस तरीके से जब आप उनको रखेंगे टेक्नो एक्शन पे तो वो खुद से एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा, और जब हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस पीसी में जाके हम इजीली हम अपने हिसाब से उनको यहाँ से एक्सप्लोर करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन से डेटा है, जैसे सी ड्राइव में क्या डेटा है, डी ड्राइव में क्या डेटा है। इस तरह से डेटा को एक्सप्लोर करने से वायरस एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। वायरस एग्जीक्यूट होता है डबल क्लिक करके ओपन करने से या डायरेक्टली ओपन होने से। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, आगे चलते हैं, यहां पर आते हैं बैक करके यूएसबी। इसमें सिर्फ आपके लिए समझने के लिए एक आपके लिए वार्निंग है, नोटिफाई मी इफ देयर आर इश्यूज कनेक्टिंग टू यूएसबी डिवाइसेस। देखें जितनी भी डिवाइसेस आजकल आ रही हैं, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, यूएसबी इटसेल्फ, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, वो सब के सब हमारे यूएसबी पोर्ट में कनेक्टेड होते हैं, स्कैनर, प्रिंटर भी। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस पर से चेक हटा देंगे तो अगर कोई डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होके यूएसबी पोर्ट में किसी किस्म का एरर या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो ये आपको नोटिफाई नहीं करेगा नोटिफिकेशन में। और अगर आप इस पर चेक करेंगे तो आपको ये नोटिफाई करेगा कि ये डिवाइस मल फंक्शनिंग कर रही है या फंक्शन नहीं कर रही है या इसके अंदर कोई एरर है। ये जस्ट इसके हवाले से ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से बैक करेंगे और फिर अगली सेटिंग्स पे चलते हैं।